हाय गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ लीनिंग का हल्बरटेक 8000 बैडमिंटन रैकेट। एंड इस रैकेट को मैं पिछले 3 महीने से खेल रहा हूँ। क्यों खेल रहा हूँ, क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रैकेट के लुक की बात करें तो आपको एक साइड पूरा पिंक कलर देखने को मिल जाएगा एंड दूसरे साइड टर्कोइज ब्लू। एंड पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने इतना खूबसूरत रैकेट अभी तक नहीं देखा। इसे मैं रैंक 1 रखना चाहूंगा लुक के हिसाब से। एंड अगर आप इसमें पिंक कलर की स्ट्रिंग या ब्लू कलर की स्ट्रिंग लगाते हो तो रैकेट के लुक में 4 चांद लग जाएंगे। साथ ही साथ मैं लीनिंग का ब्लेड प्रो शू यूज करता हूं जो कि रैकेट के साथ बहुत अच्छा मैच करता है। मैं आपको बता देता हूं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं रैकेट के बारे में क्या फील कर रहा हूं वो बता रहा हूं। बाकी आपको काफी सारे यूनिक डिजाइन डॉटेड डिजाइन देखने को मिल जाएंगे थ्रू आउट द फ्रेम। यहां रैकेट के फ्रेम में लिखा है टेक्नोलॉजी NHDF शॉक एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जिसके कारण आपको कोई भी वाइब्रेशन नहीं देखने को मिलती है जब आप शटल को हिट करते हो। वैसे जब हम इस रैकेट के साथ खेल रहे थे तो मेरे को कोई भी वाइब्रेशन टाइप का फील नहीं हुआ। उसके नीचे लिखा है TB नैनो प्लस T1100। सो T1100G एक हाई क्वालिटी का कार्बन फाइबर मटेरियल है जो इस रैकेट को बनाने के लिए यूज हुआ है। साथ ही साथ ये मटेरियल मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने के लिए भी यूज होता है। एंड टीबी नैनो कंबाइन करता है कार्बन फाइबर एंड रेजिन को, विच प्रोवाइड्स बेटर इलास्टिसिटी, स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड ब्रिंग्स मोर पावरफुल स्ट्राइकिंग। उसके बाजू में लिखा है स्टेबलाइज लेआउट एंड फ्रेम के अपोजिट साइड लिखा है हल्बरटेक। हेडशिप की बात करें तो हमें डायनेमिक ऑप्टिमम फ्रेम देखने को मिलता है जो प्रोवाइड करता है बिगर स्वीट स्पॉट। बैलेंस पॉइंट की बात करें तो हमें 295 mm देखने को मिलता है जो कि डिटरमाइन करता है एक इवन बैलेंस बैडमिंटन रैकेट, माने वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रैकेट, विच इज गुड फॉर अटैकिंग एज वेल एज डिफेंसिव प्लेयर। वैसे जो लीनिंग का हल्बरटेक सीरीज है इसमें आपको इवन बैलेंस रैकेट देखने को मिल जाते हैं। एंड ये सीरीज आता है कंट्रोल कैटेगरी रैकेट में। ये हमारा रैकेट का टीजोन, यहाँ आपको लीनिंग का लोगो देखने को मिल जाएगा सिल्वर कलर से। शाफ्ट की बात करें तो पहले लिखा है हल्बरटेक 8000 जो की रैकेट का मॉडल नेम है। शाफ्ट को थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो यहाँ लिखा है 6.8 mm जो की शाफ्ट का डायामीटर है। उसके बाजू में लिखा है हार्ड फ्लेक्सिबल शाफ्ट जो की शाफ्ट की फ्लेक्सिबिलिटी है। आसान भाषा में बताओ तो मीडियम फ्लेक्सिबल से काफी ज्यादा एंड स्टिफ से स्लाइटली सकम। यहाँ आपको कुछ चाइनीज में लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। सो अगर आप में से किसी को चाइनीज आती है एंड इसमें क्या लिखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये हमारा रैकेट का हैंडल कैप, आपको दोनों तरफ लीनिंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एक साइड पिंक कलर से है, दूसरे साइड टर्कोइज ब्लू। हैंडल कैप में यहाँ लिखा है 3U जो की रैकेट का ओवरऑल वेट है जो की डिटरमाइन करता है 85 से 89.9 ग्राम के बीच में। इसमें आपको एक और वेट कैटेगरी देखने को मिलता है जो की 4U है जो की डिटरमाइन करता है 80 से 84.9 ग्राम के बीच में। तो लीनिंग की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि आपको एक ही मॉडल में 2-3 वेट कैटेगरी देखने को मिल जाते हैं। उसके नीचे लिखा है G5 जो कि रैकेट का ग्रिप साइज है। यूनेक्स के ग्रिप साइज चार्ट से कंपेयर करें तो ये एक्चुअली में G4 है। उसके बाजू में लिखा है 31 lbs जो कि रैकेट का स्ट्रिंग टेंशन है, माने आप इस रैकेट में मैक्सिमम 31 lbs तक लगा सकते हो। फाइनली रैकेट के प्राइस की बात करें तो ये आपको 14,999 rupees में देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो STB05 तो आपको काफी तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके ले सकते हो। इसमें आपको और भी मॉडल देखने को मिल जाएंगे जैसे कि हल्बरटेक 2000, 5000, 7000, 8000, 9000। तो सारे के प्राइस अलग अलग है तो आप अपने बजट के हिसाब से ले सकते हो एंड कूपन कोड लगाओगे तो और डिस्काउंट। तो चलिए अब हम इस रैकेट के साथ खेल लेते हैं और मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर कर लेता हूं। वैसे हमने इस रैकेट में यूनिक्स की BG65 टाइटेनियम स्ट्रिंग लगाई है एंड उसे टाइट किया है 29 lbs में।
नोटिस की वो है इस रैकेट का कंट्रोल। मैं हाईली इंप्रेस हूँ इस रैकेट के कंट्रोल से, वो चाहे नेट शॉट हो गया या मिड कोर्ट से शटल को कीप करना। तो ये जो मैं रैकेट यूज कर रहा हूँ, इस रैकेट का वेट है 87 ग्राम एंड स्ट्रिंग एंड ग्रिप को एड करने के बाद 97 ग्राम के अराउंड देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ लोगों को स्लाइटली सा हैवी लग सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बाकी इसका जो स्विंग स्पीड था वो भी काफी स्मूथ था। बाकी ड्राइव एंड पैरेलल शॉट की भी बात करें तो काफी इजी टू प्ले था। तो पिछले 3 साल से मैं लीनिंग का टर्बो चार्जिंग 70 यूज कर रहा हूँ एंड मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ इस रैकेट से। एंड इस रैकेट का जो स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है हल्बरटेक 8000 से, बस ये स्लाइटली सा और हेड हैवी है। एंड ये रैकेट अब मेरे पास एक ही पीस बचा है। तो क्या होता है, हम प्रोफेशनल प्लेयर सेम रैकेट के मॉडल 3-4 रखे रहते हैं, तो प्रैक्टिस करने के टाइम या टूर्नामेंट के दौरान जब हमारे रैकेट के स्ट्रिंग के गट टूट जाते हैं तो हम सेम प्लेयर इस रैकेट का यूज करते हैं, जिससे हमारी फील बदले ना। तो मैं खुद एक नए रैकेट की खोज में था तो मैंने ट्राई किया लीनिंग का हल्बरटेक 8000। तो मैं एक डबल्स प्लेयर हूं तो मिडकोर्ट से शटल को नेट पे जब कीप करता था तो टर्बो चार्जिंग 17 में मुझे काफी एरर देखने को मिलता था क्रूशियल पॉइंट्स में, लेकिन वो चीज मुझे हल्बरटेक 8000 में नहीं देखने को मिली क्योंकि ये एक इवन बैलेंस बैडमिंटन रैकेट है। लेकिन हल्बरटेक 8000 में जब आप मिडकोर्ट से शटल को पंच करते हो ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो थोड़ा सा पैरेलल जा रहा था, ना कि डीप। ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी ग्रिप साइज की बात करूं तो थोड़ा सा हमें मोटा देखने को मिलता है जैसे कि मैं आपको बताया हूं, और मैं थोड़ा सा शॉर्ट प्लेयर हूं तो मेरे हाथ थोड़े से छोटे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ग्रिप चेंजिंग में ना फास्ट रैली जब चलती है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था मुझे टर्बो चार्जिंग 70 में, लेकिन मुझे इसमें नहीं देखने को मिला क्योंकि वही रीजन है इवन बैलेंस रैकेट। हल्बरटेक 8000 की पावर की बात करें तो मुझे डिसेंट देखने को मिला एंड स्टार्टिंग में मैं खुद थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था इस रैकेट के पावर को लेकर, लेकिन 1-1.5 महीने बाद में काफी कंफर्टेबल हो गया रैकेट से तो मुझे पावर भी काफी इंप्रूव देखने को मिला धीरे धीरे। नेट शॉट की बात करें तो आपको सुपर सॉलिड सुपर स्टेबल देखने को मिल जाएगा। ये रैकेट उनके लिए अच्छा जो चाहता है रैकेट में डिसेंट पावर हो लेकिन बहुत अच्छा स्विंग स्पीड रिपल्सन एंड कंट्रोल, माने ये रैकेट एक ऑलराउंड प्लेयर के लिए काफी बढ़िया रहेगा। तो मैं आपको एक नॉर्मली बात बताता हूं, तो मैं पिछले 3 साल से ये टर्बो चार्जिंग 70 रैकेट से खेल रहा हूं और काफी कम क्लैश हुआ जिसके कारण काफी कम डेंट देखने को मिल जाते हैं मेरे को इस रैकेट में। लेकिन ये जो हल्बरटेक रैकेट है मैं इस रैकेट से 3 महीने से खेल रहा हूं और ऑलमोस्ट 6-7 बार क्लैश हो गया, माने काफी क्लैश हो गया, तो जो डेंट भी है काफी मेरे को देखने को मिल जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह कि रैकेट को कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम इस रैकेट को रेटिंग दे देते हैं हर शॉट के हिसाब से। ड्रॉप को देना चाहूंगा 9.5, लिफ्ट को 8, स्मैश को 7.5, ड्राइव को 9, टॉस को 8, पैरेलल को 9, डिफेंस को 8.5 एंड टैप को 8। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना।